जी हाँ नमस्कार साथियों, रीट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें, 4 से 5 न्यूज़ हैं, सभी न्यूज़ पर अपन चर्चा करेंगे। ये भरत बेनीवाल जो कि ये बेरोजगारों की ओर से हैं और इन्होंने बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी से मुलाकात की और कहा गया है कि रीट शिक्षक भर्ती को लेकर चेयरमैन साहब से बात हुई है। चेयरमैन साहब ने आज शिक्षा मंत्री से बात कर विभाग को भर्ती की अभ्यर्थना भेजने के लिए रिमाइंडर पत्र भेजने के लिए कहा और बताया कि बोर्ड के पास अभ्यर्थना आती 5 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। भर्ती परीक्षा आगे बढ़ने का कोई निर्णय नहीं है। अगर 1-2 दिन में अभ्यर्थना आ जाती है तो जल्दी विज्ञप्ति जारी कर तय समय पर परीक्षा होने की संभावना है। अगर किसी भी कारण से अभ्यर्थना आने में देरी होती है तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा करवाने का निर्णय किया जाएगा। यानी कि शिक्षा मंत्री जी भी इसमें इनरोल हैं और शिक्षा मंत्री जी और बोर्ड अध्यक्ष, इन दोनों की चर्चा हुई है। उसके बाद में बोर्ड अध्यक्ष ने इनको ये बात कही है। इसके साथ ही आगे चलते हैं, अन्य अपडेट आप लोगों के लिए बता दूँ रीट भर्ती से जुड़ी। रीट शिक्षक भर्ती बिरबल की खिचड़ी बन चुकी है जो होने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी विभाग की कमजोरी के कारण अभी बोर्ड में अभ्यर्थना नहीं पहुंची है। रीट लेवल 2 में पद वर्दी के साथ अभ्यर्थना भेजी जाए और जिस प्रकार से भर्ती है वो तय समय पर पूरी हो सके, ठीक है। साथ ही उन्होंने 5 दिन में विज्ञप्ति का आश्वासन दिया है और उसके बाद जैसे ही हरिप्रसाद शर्मा जी ने शिक्षा मंत्री जी से बात की उसके बाद में कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, ये आप देख सकते हैं। आज सुबह चेयरमैन साहब हरिप्रसाद शर्मा जी से मुलाकात कर विभाग में रीट भर्ती की अभ्यर्थना के लिए रिमाइंडर लेटर भिजवाया था और निर्देशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड के पत्र पर संज्ञान लेते हुए तुरंत अभ्यर्थना भेजने के लिए रिक्त पदों की संख्या मांगी है। जल्द ही रीट लेवल 2 से संबंधित आप देख सकते हैं, कल ही बोर्ड ने यानी कि बीकानेर निर्देशालय ने जो रिक्त पदों हैं उनका विवरण जो है वो मांग लिया है। यानी कि अब थोड़ा सा संज्ञान है वो लिया गया है, उसके बाद आपकी अभ्यर्थना जो है वो जारी होगी। और रीट शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने को लेकर कल बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात की थी। मीडिया कवरेज कल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थना जल्द भेजने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था और तुरंत निदेशालय ने पद वर्दी के लिए सभी जिलों से रिक्त पदों की संख्या मानी। इनकी पदों में यहाँ पर बढ़ोतरी के भी संकेत हैं वो यहाँ से साफ इंगित हो रहे हैं, स्पष्ट यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। और क्या होता है, कितना संज्ञान होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट आज की जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों को बताई और जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी सबसे पहले आप लोगों को मैं अवगत करवा दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही न्यूज़ अच्छी न्यूज़ आप तक मैं लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।